एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है दूसरा दिन मेरा घर पे, मतलब कल मैं रात को आया था, शाम को पहुंचा था घर, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जल्दी सो गया था रात को। जैसे यहाँ से काम करके गया उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, सिर दर्द कर रहा था। मैंने बताया था जैसे आपको पहले, मैं दवाई खा के जल्दी सो गया था। और आज दूसरा दिन है और आज बारिश है। सुबह सुबह नाले मतलब बहुत चढ़े हुए थे हमारे, अब तो सारे उतर गए हैं, पानी कम है। और मतलब खड्ड क्रॉस भी नहीं की जा रही थी, और हमारा तो चलो फिर भी सड़ जाता है, लेकिन जैसे तैसे मैनेज हो जाता है। पर पशुओं का थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे अगर कंटिन्यू बारिश रहे तो हम इनको बाहर ही नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसा हमें इनको निकालने के लिए एक तो ये प्राण खार हमारी गोरन है, कांगड़ी लैंग्वेज में इसे गोरन बोलते हैं, बिलासपुरी में इसे गोयन गोयन, और अपर हिमाचल में ओबरा भी बोलते हैं इसको, तो जहाँ पे पशुओं को बांध के रखते हैं गौ माँ। तो इसने गंद इतना डाल के रखा होता है ना अंदर, पूछो मत। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारी गाय है और ये बहुत गंदी रहती है। हमारे पास एक गाय थी, बहुत मतलब ना अगर जितना मर्जी गंद हो वो कभी भी गंद में नहीं बैठती थी, वो हमेशा इसी तरह साफ देखती थी और इसकी तरह गंद भी नहीं मिलाती थी। ये नहीं लेके आए। कुछ लोगों को लगता है कि हिमाचली होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रॉपर हिमाचलियों की तरह रहना हो तब बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये हमारी गद्दूत है और ये हम हैं, हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा। इसका सारा गोबर भर के मुझे फेंकने के लिए काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि पशुओं के साथ अत्याचार होता है, कि हम लोग पशुओं के साथ अत्याचार करते हैं। पर एक बात बोलो, जो पशु पालता है ना वो उसको बच्चे की तरह, मतलब बच्चे की तरह ट्रीट करता है, कि उसको ये ना हो जाए, उसको वो ना हो जाए। बारी आती है, मैंने ये साफ कर दिया है सारा, और अब बारी आती है इसको पानी पिलाने की। सो देखना इसके ड्रामे, अगर मैं ये बाल्टी रखूँगा तो शायद ये पानी पिएगी, क्योंकि ये बहुत नखरे करती है। इसकी एक फेवरेट बाल्टी है, उसी में ये पानी पीती है। देखना अब मैं दूसरी बाल्टी रखूँगा ये पानी कैसे पिएगी। आज बारिश भी है, शायद तब ना पी रही हो। कभी कभी मेरे को ना तो गुस्सा आता है ना इसके ड्रामों पे, कि पूछो मत। अब ये बाल्टी रखूँगा, इसकी फेवरेट बाल्टी है ये, तो अभी इसको ये बाल्टी रखूँगा तो पानी पिएगी। ये देखो इस बाल्टी में भी नहीं पिया, अब बारी आती है इसको घास डालने की। तो घास डालूँगा मैं इसको चार पुल्ले, और दूसरी तरफ को अपने शानी हुई अभी ड्यूटी पर हाजिर हैं, वो भी घास डाल रहे हैं अपनी भैंस को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिमाचली कलाकार। तो आज सेकंड डे है और आज मंदिर में सब सफाई कर रही है, तो मैं चला तो आज मंदिर के दर्शन। हेलो किसी चल काय दा पूला ले हमने काय दा पूला लेना, दो दो तीन तीन ले। ओम नमः शिवाय, शिव ओंकारेश्वराय, श्री भगवते साम सदा शिवाय, नमो नमः। तो इस बार इन्होंने डेकोरेशन ज़्यादा तो नहीं किया, बट सुंदर कर दिया यार। तो अभी करेंगे यहाँ पे सफाई,
मैं जाऊंगा ये सामने वाला पोर्शन साफ करने, और बाकी ये जलाएंगे अभी धोना। चलो देखते हैं पीती गालू लीतकु कौन दे चुका है ये वाला छोटा मुझे नहीं भाई।